हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज बना रहे हैं पेपर पोहा की रेसिपी। जब वो हल्की फुल्की भूख और बहुत ही कम टाइम में कुछ तैयार करना हो तो ये बढ़िया रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम पेपर पोहा और साथ ही में लिया है 50 ग्राम सूखा नारियल कटा हुआ है। ये छोटे छोटे पीसेस में से काट लिया है। और साथ ही में हम लेंगे कुछ मखाने और साथ ही में लेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और साथ ही लेंगे थोड़े से करी पत्ते और साथ में लेंगे 50 ग्राम किशमिश। किशमिश का टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। इसके साथ ही हम लेंगे 2 छोटे चम्मच सौंफ। ग्राम में इसकी मात्रा है 60 से 8 ग्राम। और साथ ही में जाएगा इसमें 1.5 छोटा चम्मच जीरा, 6 से 7 ग्राम। साथ ही लेंगे हम हल्दी पाउडर 1.5 छोटा चम्मच। और साथ ही लेंगे हम काला नमक, यहाँ पर स्वाद अनुसार काला नमक या फिर 2 छोटे चम्मच काला नमक मैंने लिया है। साथ में लेंगे हम 50 ग्राम मूंगफली दाने। इस रेसिपी में बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल होता है, ज़रूरत के हिसाब से हम तेल इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए कढ़ाई रखते हैं गैस पर और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। कढ़ाई में 50 ml तेल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम ही रखना है ताकि जब हम चीज़ें तलें तो एकदम बढ़िया से अंदर तक भुन जाए और क्रिस्पी हो जाए। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाती है हम इसमें फली दालें डालेंगे और फलीदानों को एकदम ब्राउन होने तक तलेंगे। और जैसे ही इनका कलर ब्राउन हो जाता है हम इनको निकाल लेंगे। निकालने के लिए यहाँ पर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाएगा तो जो हम नमकीन बना रहे हैं वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश बना रहेगा। फलीदानों को निकालने के बाद हम इसमें तलेंगे नारियल। नारियल को तलने के लिए भी एकदम पतले पतले पीसेस में काटना ज़रूरी है ताकि वो भुनने के बाद एकदम क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने नारियल को छोटे छोटे पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है और हमें इसे एकदम रेड ब्राउन होने तक भुनना है। नारियल एकदम अच्छे से भुन गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। और इन्हें निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक छलनी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो टिश्यू पेपर पर निकाल सकते हैं। इसके साथ ही हम किशमिश को भूनेंगे। किशमिश को बहुत ही कम टाइम के लिए भूनेंगे क्योंकि जो किशमिश की बाहरी लेयर होती है बहुत ही पतली होती है और अगर ज़्यादा टाइम के लिए आप इनको भूनेंगे तो ये जल जाएंगी। तो जैसे ही किशमिश को हम भूनेंगे वो हल्की हल्की सी फूल जाएंगी और बस हमें हल्का सा फुलाना है इनको और इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल। अब हम तलेंगे मखानों को। यहाँ पर मैंने मखाने की क्वांटिटी बहुत ही कम ली है, आप चाहें तो अपने हिसाब से मखाने कम या ज़्यादा रख सकते हैं। कोशिश करें कि उनको बहुत ही कम तेल में आप भुनें और थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन मखाने भुनकर एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। तो चलिए मखाने भून लेते हैं। अब देखिए लगातार चलाते हुए मखानों को भून लेंगे ताकि वो बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएं, क्योंकि मखाने साइज़ में थोड़े बड़े हैं इसलिए इनको भुनने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ताकि वो अंदर तक भुन जाए अच्छे से। और कोशिश करें अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मखाने लेते हैं तब भी आप थोड़े से ही तेल में इनको भुनें, क्योंकि आप जितना भी तेल इसमें डालेंगे मखाने सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें चाहिए कम तेल में बना हुआ नाश्ता, तो हम इसे बहुत ही कम तेल में तलेंगे। अब देखिए जैसे ही ये हल्के हल्के रेड हो जाते हैं मखानों को भी निकाल लेंगे। अब देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचा है तो हम इसमें तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए हम लिया था जीरा, जीरा डालेंगे, सौंफ डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और साथ में डालेंगे करी पत्ती। इनको एकदम कड़ा होने तक तल लेंगे जब तक कि करी पत्ते एकदम कड़े नहीं हो जाते हैं। और जैसे ही करी पत्ते कड़े हो जाएंगे हम इसको निकाल लेंगे। करी पत्ते जैसे ही कड़े हो जाते हैं हम इसको टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अब हमें तलना है पेपर पोहा। पेपर पोहा तलने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के तुरंत बाद ही हम इसमें पेपर पोहा मिक्स कर देंगे, नहीं तो हल्दी पाउडर जल जाएगा। अब देखिए मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको भूनेंगे जब तक ये एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाता है। और क्योंकि हमने हल्दी पाउडर को तेल में ही डाल दिया था तो ये अच्छे से सारे पोहे पर मिक्स हो जाए। पेपर पोहा को भूनते टाइम इसको हल्के हाथ से ही उलट पलट करें, नहीं तो ये टूट जाएगा क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और ये अगर आप जोर जोर से चलाएंगे तो ये टूट जाएगा। इसको हल्के हाथ से ही उलट पलट करके इसको चलाएं जब तक कि एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाता है। अब देखिए यहाँ से कुछ टाइम बाद 6 से 7 मिनट बाद एकदम क्रिस्पी हो गया है इस तरह से। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे।
और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्दी पाउडर का कलर सारे पोहे पर बढ़िया से आ गया है। मिक्स करने के लिए हम यहाँ पर एक बड़ी परात का इस्तेमाल करेंगे और सारी सामग्री को इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करते टाइम भी हल्के हाथ से ही सारी सामग्री को मिक्स करेंगे। और देखिए यहाँ पर हमने ली थी 500 ग्राम क्वांटिटी, तो मैंने दो बार में इसको कढ़ाई में भूना है। आप चाहें तो बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए इसको एक बार में ही भून सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो करी पत्ता तले थे वो भी ठंडे होने के बाद कड़े हो गए हैं, तो चलिए इनको हाथ से मसल लेते हैं ताकि इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएँ। और अब बढ़िया से सारी सामग्री को मिक्स कर लेते हैं और इसमें डालेंगे हम स्वादानुसार नमक। हमने यहाँ पर काले नमक का इस्तेमाल किया है। काला नमक डालते हुए ध्यान रखें कि अगर काले नमक में गुठलियाँ हैं तो उनको अच्छे से फोड़ लें, उसके बाद ही नमक इसमें मिक्स करेंगे। और नमक मिक्स करने के बाद बढ़िया पेपर पोहा नमकीन तैयार है। बहुत ही कम तेल में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और काफ़ी बढ़िया है, हल्की फुल्की भूख के लिए काफ़ी बढ़िया है रहता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और रेसिपी से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और ऐसी ही रेसिपी के लिए आगे भी मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।